नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 7 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। 8वां चैप्टर हमें देखना है। तो 8वां चैप्टर है आपका पवन, तूफान और चक्रवात। पवन, तूफान और चक्रवात को देखने से पहले बात कर लेते हैं हम लोग आज जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप छाया हुआ है उसी से संबंधित। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आप लग सभी लोगों ने लगभग लगभग सुना हो भी होगा कि हमारे बाल से कई गुना छोटा है ये वायरस। आपका कोविड-19 जो वायरस है ये आपका आपके बाल से भी कई गुना छोटा है। फिर भी देखिए हमारी औकात दिला कि हम इंसान आखिर हमारी क्या औकात। तो इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, जो भी समझ लीजिए कि आप लोग इस तरह से जिंदगी जिया करिए कि अगर हमारी मौत हमारे सामने खड़ी हो तो हमें कोई अफसोस ना हो। ठीक, जो भी काम मिले, भाई बहन, माँ पिता, जो भी जिंदगी में जो भी किरदार मिल रहा है उसे इस तरह से निभाइए कि आपको कोई अपने आप से शिकायत ना रहे। अपनी तरफ से हर काम को 100% दीजिए। सामने वाले से क्या मिल रहा है बदले में उस पर बिल्कुल भी 1% भी आप लोग टेंशन मत लिया करिए। आप अपना कर्तव्य निभाइए, सामने वाले पर छोड़ दीजिए। उसे करना है या मरना है, जो भी उसे उसकी तरफ से जो भी मिले उसे स्वीकार करिए। ठीक है, तो यही जिंदगी है और क्या है, वरना देख ही तो रहे हो आप लोग मौत का किस तरह से साया लोगों में छाया हुआ है। एक बात और क्लियर है अपने देश में कि पिसेगा गरीबी, जो गरीबी गरीबी के तबके में है वही पिसेगा, वही पिसता रहेगा हमेशा। कोई भी सरकारें आए बदलती रहें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए हम बात करते हैं पवन तूफान उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटे था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था, जिससे 7 लाख के करीब लोग बेघर हो गए थे। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटे के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई थी। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत सप्लाई को प्रभावित किया। याद रखिए, हमेशा कहता आया हूं कि जब तक हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं है। जिस तरह से हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे हमारे लिए मुसीबत बन खड़ी होगी। ये सभी उसी के परिणाम। ये आपका उड़ीसा के समुद्र तट की ओर पर्वत किसी चक्रवात का उपग्रह सैटेलाइट द्वारा लिया गया चित्र है। लेकिन चक्रवात होते क्या है आखिर, ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाली कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। एक क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए गतिशील वायु पवन कहलाती है। गतिशील वायु क्या कहलाती है? पवन। वायु दाब डालती है, क्रियाकलाप 8.1। जब कभी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी पूर्वक से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा यदि किसी ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करना। इन्हें इस तरह के जो भी आपके क्रियाकलाप हैं आपको पढ़ के निकल जाना है, क्योंकि जो कक्षा 7वीं में होगा उसे करना जरूरी है। आप लोगों को इसे नहीं करना है, ठीक है? तो इसे पढ़ के निकल जाना है। इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाले टिन का एक डब्बा लीजिए, इसे पानी से लगभग आधा भर दीजिए।
डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए, मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात अथवा वाश बेसिन में रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? इस तरह से प्रयोगशाला है चल रही है। क्या आपने अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है? यदि आपने टिन का डिब्बा ना मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए, इसे गर्म जल से भर लीजिए। बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब अपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती हुई पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान नहीं आसान होगा यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा से आ रही हो जिसमें आप नौका को ले जाना चाहते हैं? क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट जाती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए। साइकिल के ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बना रखती है इसे भी देखते हैं। ये सभी अनुभव हमें यह अभ्यास आवाज देते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी पता बता सकते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्ट करता है कि वायु दाब डालती है। वायु होती है जो वो दाब डालती है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है। क्रियाकलाप 8.2। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम आमाप की गेंद जैसा आकार बनाइए। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। इस तरह से इसके क्रियाकलाप को विभिन्न आमाप की बोतलों के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहेली और बूझो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए। कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है? गुब्बारे को फुलाना। क्रियाकलाप 8.3। लगभग समान माप के दो गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारे को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 4 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारे के बीच स्थान में फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं? गुब्बारे के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाएं और देखिए कि क्या होता है। क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? इस तरह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बुजुर्ग सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आपके प्रेक्षण किसे सही सिद्ध करता है? आइए हम क्रियाकलाप 8.2
8.3 और 8.4 के पिक्चरों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपने प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप हैं? अर्थात वे वैसे ही हैं जैसा आपने सोचा था। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है? जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास ही वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, इससे वहां वायुदाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायुदाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारे के बीच फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तभी संभव होता है जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाता है। तब गुब्बारे के दूसरी ओर बाहर की ओर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। फिर आपका क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा है कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव है जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब वास्तव में कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित हो? यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उसे अपने मित्रों को बताइए। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है, यह वर्षा कैसे लाती है और कभी-कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप यह जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। पवन जहां अधिक वायु दाब होता है उस तरफ से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर जाती है। वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों में के वायु दाब भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप से इसे समझने में आपको सहायता करेगा। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। क्रियाकलाप 8.5। एक क्वथन नली लीजिए। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टैप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारे लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल दीजिए। क्वथन नली को पहले की भांति 2 से 3 मिनट के लिए ठंडे जल में रखिए। इस तरह से गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारे क्यों फूलता है? वह गुब्बारे क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है अर्थात उसमें पिसार होता है? क्या आप यह बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर वायु का क्या होता है? संभवतः आपका क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। क्रियाकलाप 8.6। समान आमाप की कागज की दो खाली थैलियां अथवा कागज के दो खाली कप लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के दो किनारों से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियां अथवा कपों का मुख नीचे की ओर रहे। सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़ें।
तथा यह ध्यान रहे कि इस उसकी लौ कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर हो। छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़ें जैसा कि किसी तराजू में करते हैं। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें। देखिए क्या होता है, थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है। यह आप क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? क्या आप यह समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? यह याद रखने की भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है, इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं आपका ऊपर उठता है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायुदाब कम हो जाता है, फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु प्रभावित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं, जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था। अब बात करते हैं पवन धाराएं पृथ्वी के आसमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। या हम किसी ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियां हैं आपकी भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण की से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रभावित होती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसा कि चित्र 8.8 में दिखाया गया है। इसमें देखिए इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रभाव 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। पवन के इस प्रभाव की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। बात करते हैं थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। अध्याय 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा था। गर्मी के समय ग्रीष्म काल में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का तापमान समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन होती है आपकी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ होता है ऋतु। इस तरह के जो भी पॉइंट हुआ करेंगे आप लोग उन पर नजर डालते रहिएगा अच्छे से, ठीक है। थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के आसमान ताप में ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है। ये मानसून पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफी जल वाष्प लेकर आती है। देखिए ये आपकी भारत की स्थिति हो गई मैप्स। देखिए यार ये आपका शीतकाल में, शीतकाल में जल और थल और जल के असमान ताप के कारण
पवन उत्तर पश्चिम की अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। इस तरह से ठीक है। शीतकाल यानी कि सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बदलती है। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। यह विक्रम आपका जल चक्रण कहलाता है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है आपकी। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर सुना सकते हैं। आपको सुनाते नहीं बैठ जाना है, यह है आपके लिए, तो पढ़ने के लिए सुन लीजिए। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल। सागर से बनते हैं और सागर में मिल जाते हैं। यही इंसानियत की हालत है कि मट्टी मिट्टी से हो गए और मिट्टी में मिल गए। वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है, कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म भी देती है। क्या आप ऐसी समस्याओं के नाम बता सकते हैं? आप अपने शिक्षक या शिक्षिका और माता पिता से वर्षा से संबंधित समस्याओं के कारण निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं। इनसे मनुष्य, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न होता है। आइए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तटीय झंझा और चक्रवात का अध्ययन कर रहे हैं। तटीय झंझा और चक्रवात। तटीय झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली तड़ित कोंदती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम लोग तड़ित झंझावत कहते हैं। आप तड़ित झंझावत के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे आगे की। यदि झंझा के साथ तड़ित बिजली भी गिरे तो उसे हम लोग तड़ित झंझावत बात कहते हैं। इसमें हम निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय ना लें जो अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें, खुली जमीन पर ना लेटें। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग ना करें, खिड़की के निकट ना बैठें, खुले गैरेज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छतें वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान होता है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। फिर आपका तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है? आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है? इसके समर्थन में क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं? बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तटीय झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटना की श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान
और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। ये आपकी चक्रवात की संरचना। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? झंझा का नेत्र। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु की तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन और सघन वर्षा वाले गण ने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन पवन में क्रमशः कम होता जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति विक्रम अत्यधिक जटिल होता है। इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है 8.11 चित्र में। इसमें ये आपका प्रमंजन पवन झंझाक्रमिक रूप से घटते हुए झंझाक्रमिक रूप से बढ़ते हुए यह आपकी चक्रवात की गति करने की दशा धारा प्रवाह नीचे जाती हुई वायु वही प्रवाह ऊपर उठती हुई वायु। ठीक है, यह आपका है चक्रवात के नेत्र का प्रतिबिंब। देखिए बात करते हैं चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाश। चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है कि मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। यहां चक्रवात के कारण समुद्र में जल की ऊपर उठती विशाल लहरें ही आपकी। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भयावह बना देती है। चक्रवात को विश्व की विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में से हरिकेन कहते हैं, फिलीपींस और जापान में टाइफून कहते हैं। ठीक है, हिंद महासागर में चक्रवात और ये आपका हरिकेन हो गया। अमेरिका के पास टाइफून, भूमध्य रेखा के पास आसपास पेचित जहां चक्रवात निर्मित होते हैं। चक्रवात सर्वव्यापी परिघटना है। किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टॉर्नेडो की जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती निम्न दाब के कारण और फिर उन्हें अपने शीश के निकट बाहर की ओर धकेल कर फेंक देते हैं। टॉर्नेडो के घातक प्रभार से जीवित रहे गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरीज से। मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आशा लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा घर हवा में उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद मैं गेहूं के खेतों के कचरे को साफ करना था। हम वहां टूटे हुए पेड़ों और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजा, मुर्गियों और खरगोशों के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके शरीर से उनकी खाल उतार ली हो। टोर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि
में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती। यदि ऐसे आशय उपलब्ध ना हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंच पाता। बचाव के लिए आपको दुर्घटना आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। किसी टोर्नेडो का प्रतिबिंब है। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। इससे टोर्नेडो, हमारे देश में टोर्नेडो अधिक नहीं आते। टोर्नेडो गहरे रंग के गीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टोर्नेडो कमजोर या फिर निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो का लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर सकता है। टोर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। आपके भारत की संपूर्ण तटरेखा, विशेष रूप से पूर्वी तट, चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों के संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। आपका हमने पढ़ा है कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के क्षेत्र, दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी, इसलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? वायु मापी। पवन वेग को मापने के लिए एक वायु मापी। आभार, भारत मौसम विभाग, नई दिल्ली द्वारा। देख लीजिए, बात करते हैं प्रभावी सुरक्षा उपाय। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं आपके लिए। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था, चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था, चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य। हमें मौसम विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि की को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंधन कर लेने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़क क्षतिग्रस्त हो सकती है। सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमक दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर सूची अपने पास रखने चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं तो कुछ अन्य सावधानी। ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। गीले स्विच और खंभों में टूटकर गिर गई बिजली के तारों को न छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ या फिर चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने बाहर ना निकले। बादल बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सेतु भी। आजकल हम आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम का समय मिलता था। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। उपग्रह और रडार की उपलब्धता से यह अब संभव है। क्या संभव है? कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता
अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है, और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं मॉनिटर करने में सहयोग करते हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या देखा है? पवन वेग मापी देख लिया है, चक्रवात देखा है, हरिकेन चक्रवात, झंझावत या तूफान देख लिए, मानसून पवन दाब भी देखा है, तरेत झंझा देखा है, टोर्नेडो टाइफून। तो ये सभी आपके शब्द, हमें जो भी परिभाषाएं पढ़नी होती हैं इन्हीं को क्लियर करने के लिए, इन शब्दों की परिभाषा जानने के लिए ये सभी कहानी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो आपने इस अध्याय में क्या सीखा? हमारे आसपास की वायु दाब डालती है, वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रभावित होने लगती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। आपकी पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। जलवाष्प वाली पवन वर्षा लाती है, उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात आपके बनते हैं। उपग्रह ग्रहों और रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवात को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्वयं सहायता सबसे अच्छा सहायता है, अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। निम्नलिखित प्रवाह चित्र आपके उस परिघटना को समझाने में सहायक होगा जिसके कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है तथा तूफान और चक्रवात बनते हैं। दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर, वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, फिर उसके बाद गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनता है आपका। ठंडी वायु निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रभावित हो सक जाती है, गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है, उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाती है। बादल की बड़ी जल बूंदें भूमि पर बरसा ओले हिमपात के रूप में गिरती है। वायुमंडल के ऊंचे स्तर पर पानी की नीचे गिरती बूंदें ऊपर उठती हुई वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर सकती है। ये आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ से एक बार और रिवीजन कर लीजिए, बस कंप्लीट है, पढ़ के निकल जाना है यार। अगर अच्छे से पढ़ते हो तो एक बार में ही आपका सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये था आपका 8वां अध्याय, पवन तूफान और चक्रवात। 9वें अध्याय में बात करेंगे हम लोग मिट्टी के बारे में, मृदा।